हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंसेस बाय इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड मतलब अनुमान विधि, जिसको हम नाप नहीं सकते उसको हम अनुमान से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। और वो नियर अबाउट सेंटीमीटर में एरर आती, हमने आपको बताया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वो मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। किसी खगोलीय ऑब्जेक्ट, खगोलीय वस्तु की का मेजरमेंट हम लोग करेंगे। साइज, साइज में यहाँ डायमीटर माना जाएगा। देखो स्टूडेंट, इसके पीछे हमने आपको इको मेथड बताया, उसमें हमने आपको रडार बताया, सोनार बताया और हमने लेसर बताया, ठीक। फिर हमने बताया ट्रायंगुलेशन मेथड से टावर की हाइट कैलकुलेट करने का के लिए, और हमने किसी रिवर वगैरह की विड्थ यानी चौड़ाई नापने के लिए, ठीक है। वो मेथड हमने बिना नापे अनुमान विधि से निकाला। अब यहाँ हम लोग साइज निकालेंगे। तो हमने यहाँ मून को लिया हुआ है और मून का डायमीटर यहाँ डी बनाया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। और ये हमारी अर्थ है। हमने आपको पीछे बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे आँख पर ऐसे एंगल बनाती है ऐसे, तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते थे? विजुअल एंगल कहते थे, ठीक है। ये एंगल कौन सा होता था? विजुअल एंगल। ठीक, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आँख पर जितना एंगल बनाता है उसी को हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं। एंगल सबटेंड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई इज नोन एज विजुअल एंगल, ठीक है। अब ये एंगल जो है इसी को हम लोग एंगुलर साइज बोलते हैं। ये थीटा जो यहाँ मेजर करते हैं ये इसका एंगुलर साइज है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, इधर से एक हमने इमेजिनरी लाइन ली, इधर से लाइन ली और यहाँ एक एंगल बना। हमने ये एंगल प्रोटेक्टर से मेजर किया या किसी भी ऑपरेटर से यहाँ पे एंगल मेजर किया, तो इसी एंगल को हम लोग एंगुलर साइज कहते हैं, ठीक है। तो लेट एंगुलर साइज ऑफ मून ऑन अर्थ सरफेस इज इक्वल टू थीटा, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन अर्थ एंड मून इज इक्वल टू एस, ठीक। देन फ्रॉम एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आप देखो स्टूडेंट, आर्क में हम क्या ले सकते हैं? डी ले सकते हैं, डायमीटर इसका। एंगल हमारा थीटा, रेडियस तो यहाँ से यहाँ तक सीधी डिस्टेंस एस मानी जाती है, तो वही एस मानी जाएगी क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है, ठीक है। और ये थीटा हमारा होता है इन रेडियन, ध्यान रखिएगा इसको, इन रेडियन होता है, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस हुआ, थीटा इज इक्वल टू डी अपान एस हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी इज इक्वल टू थीटा एस हुआ, ठीक है। इस फार्मूले से हम लोग डायमीटर मून का कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट बाय पैरालॉक्स मेथड। यहाँ देखो स्टूडेंट, एक स्टार यहाँ एन है, ये बहुत दूर है, ठीक।
और ये एक स्टार है जो 100 लाइट ईयर से कम डिस्टेंस पर है अर्थ से। कितने डिस्टेंस पर कम है, यानी यहाँ से यहाँ तक कि जो डिस्टेंस हमारी यस है, ये इसको हम लोग यस ले रहे हैं, ठीक। ये अर्थ से हमारे कितनी डिस्टेंस पर है, 100 लाइट ईयर से कम डिस्टेंस पर है, यानी यहाँ पे जो हमारा यस आएगा, अभी बीच में लिखेंगे यस इज लेस देन 100 लाइट ईयर। लाइट ईयर हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये एन जो है बहुत दूर है स्टार, जैसे हमारा एक पोलर स्टार होता है आप जानते हैं, जो अर्थ पर हमेशा एक ही पॉइंट पर स्थिर दिखाई देता है। तो अर्थ यहाँ है तब भी वो एन इस पर सीधा है, तो यहाँ अर्थ है तो यहाँ भी सीधा होगा। ये पोलर स्टार टाइप का है या बहुत दूर है, इतना दूर है कि हमेशा वो सीधा ही दिखाई देता है। आप देखो स्टूडेंट, ये हमारी अर्थ है, ये सन के चारों ओर ऐसे रोटेट करती है, ऐसे, ठीक, सन के चारों ओर ऐसे रोटेट करती है ऐसे, ठीक है। तो जब ये सन के चारों ओर रोटेट करती है, तो ये हमने लिया है 22 दिसंबर और इधर लिया है 22 जून। जब हम इसका पैरेलैक्स एंगल मेजर करेंगे, अब पैरेलैक्स एंगल क्या होता है, यहाँ देखो स्टूडेंट, जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक। अब इन दोनों के बीच जो एंगल ऐसे फॉर्म होगा, इस एंगल को हम लोग पैरेलैक्स एंगल कहते हैं, ठीक। ये जो एंगल है वो पैरेलैक्स एंगल है, ठीक है। यानी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे इसमें। विजुअल एंगल में क्या होता था, एक ही ऑब्जेक्ट होता था, जो हम लोग एंगुलर साइज जिसको कहते थे, वो उसमें एक ही ऑब्जेक्ट ऐसे होता था। इसमें क्या होगा कि दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, देखो एक ऐसे यहाँ पर कर दिया हमने, तो ये यहाँ से एक आएगी रे, एक यहाँ से आएगी, ऐसी पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, एक यहाँ, इनके बीच जो एंगल बन रहा है इसको पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। यहाँ देखो एक स्टार यहाँ है और एक स्टार यहाँ है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल ये बना स्टूडेंट, ये एंगल पैरेलैक्स एंगल हुआ, ठीक है। ये विजुअल एंगल नहीं हुआ, ये एंगुलर साइज नहीं हुई, ठीक, उससे डिफरेंट ये पैरेलैक्स एंगल है। तो हम लोग क्या करते हैं, 22 दिसंबर को इन दोनों स्टार के बीच जो पैरेलैक्स एंगल है मेजर कर लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, ये इन दोनों स्टार के बीच 22 जून को जब अर्थ घूम करके यहाँ आ गई जो है, तब हम लोग इसका पैरेलैक्स एंगल मेजर कर लेते हैं। अब हम यहाँ से एक ऐसे बनाते हैं, ठीक है, कोन टाइप का। तो कोन टाइप का जो बनाते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल है, इधर का ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल है, दोनों एंगल यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो ये टोटल इन दोनों पोजीशन के बीच पैरेलैक्स एंगल मिल जाता है, ठीक। अब इस पैरेलैक्स एंगल से हम लोग यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बताते हैं, ये डिस्टेंस है बी हमारी मान लिया, और बी की वैल्यू होती है 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, तो 1 इधर हो गया 1 इधर हो गया, तो ये हो गया 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। लेट अस कंसीडर डिस्टेंस ऑफ ए स्टार, और इस स्टार को हम लोग यस नाम देंगे, इस स्टार को यस नाम देंगे, ठीक, स्टार यस फ्रॉम अर्थ इज इक्वल टू यस, ठीक है। इस स्टार की डिस्टेंस यस यहाँ हमने बनाई हुई है, स्मॉल यस है, ठीक है। वेयर वेयर यस इज लेस देन
100 लाइट ईयर, ठीक, जहाँ यस हमारा 100 लाइट ईयर से कम है। ठीक, आप देखो स्टूडेंट, एन अदर स्टार एन इज एट ए लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। ठीक, एक दूसरा स्टार एन है जो अर्थ से लॉन्ग डिस्टेंस पर है। ठीक, वी मेजर पैरालाक्स एंगल φ1 at 22 December and φ2 at 22 June on Earth। ठीक, टोटल पैरालाक्स एंगल एट स्टार एस और ये एंगल हुआ फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। ठीक, फ्रॉम एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क यहाँ ये टोटल एंगल हमने ले लिया है फाई, कितना ले लिया है फाई, अब ये हो गया एंगल, ये हो गई रेडियस, ये हो गया आर्क। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया एंगल हो गया फाई इज इक्वल टू आर्क हमारा हो गया बी और रेडियस हो गई हमारी एस। ठीक है, अब इससे हम लोग एस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे अगर हम यहाँ पे वैल्यू रख दें, बी की वैल्यू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई अपान एस हो गया। ठीक, तो यहाँ से एस की वैल्यू आ गई, ठीक, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपान फाई की वैल्यू कितनी है φ1 प्लस φ2। ठीक है, अब ये जो φ1 एंड φ2 हमारे हैं वो रेडियन में होंगे। ठीक है, इन रेडियन, इसी में जोड़ लो इन रेडियन, ठीक है ना, ये इन्हें रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक, यानी s इज इक्वल टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन φ1 प्लस φ2। इस फार्मूले से हम किसी भी ऐसे स्टार की अर्थ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं जो 100 लाइट ईयर से कम है। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, यानी ये भी इनडायरेक्ट मेथड का है, अनुमान विधि है, और इसमें हमने पहला पॉइंट लिया है डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ एटम यूजिंग एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो हमने जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस लिया है उस स्टूडेंट, इसमें आप दो चीज़ें जानिए, पहला तो एवोगैड्रो नंबर जो होता है, ठीक है, वो हमारा कितना होता है,
एवोगैड्रो नंबर, इसको हम लोग एन लिखते हैं, और एन की वैल्यू आती है हमारी 6.023 × 10³, ठीक है, ग्राम पर मोल होती है ये, ठीक है, ग्राम पर मोल, यानी एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स या इतने एटम होंगे, ठीक है। एक तो ये लिया हमने, अब देखो स्टूडेंट, हमने लेट कर लिया, लेट, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ द सब्सटेंस, ये हमारा कितना हो गया, एम हो गया, और एम क्या है, ग्राम में होगा ये, ठीक है, एम किस में होगा, इन ग्राम, आगे हम लिखेंगे नहीं यूनिट, फाइनल में चलेंगे, ठीक है, इन ग्राम होगा। आप देखो स्टूडेंट, इसका मतलब यहाँ देखो, इतने मालिक, इतने जो हमारे एटम हैं उनका मास कितना होगा, नंबर ऑफ एटम इन एम ग्राम सब्सटेंस, एम ग्राम सब्सटेंस इज इक्वल टू एन, यहाँ देखो एम ग्राम में एन होंगे, ठीक, अच्छा, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन वन ग्राम सब्सटेंस इज इक्वल टू, अब ये एम इधर आग डिवाइड हो जाएगा, एन अपान एम हो जाएगा, ठीक, एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास लिखा है वहाँ, ठीक ना। आप देखो, अगर नंबर ऑफ एटम इन, अब हम यहाँ पे कुछ मास ले लें तो एम ग्राम ले लेते हैं, ठीक है, इन एम ग्राम सब्सटेंस तो एम का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन ग्राम में इतने हैं तो एम ग्राम में एम का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया एम एन अपॉन एम आ गया, ठीक है। आप देखो, इफ रेडियस ऑफ एटम इज स्मॉल आर, ठीक, देन टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, आप देखो स्टूडेंट, अगर रेडियस इसकी आर है तो एक एटम की का जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 πr³ होगा, क्योंकि एटम क्या है, एटम्स आर टीनी स्फेयर, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स, तो इतने एटम हैं तो एम एन अपान कैपिटल एम इतने एटम हैं, और एक का हो जाएगा 4/3 πr³, एक एटम का वॉल्यूम होगा, सिंस एटम आर टिनी स्फेयर, टिनी मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटे गोले हैं, यहाँ अज्यूम हो गया उसको, एटम्स आर टिनी स्फेयर, ठीक है। अब इतना वॉल्यूम हो गया, एक अकॉर्डिंग टू इफ वॉल्यूम ऑफ द एम ग्राम सब्सटेंस
सब्सटेंस, ठीक, एम ग्राम सब्सटेंस इज वी, ठीक। देन अकॉर्डिंग टू, देन अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, अब देखो स्टूडेंट ध्यान से देखो, एवोगैड्रो ये कहते हैं कि जो टोटल वॉल्यूम है सब्सटेंस का, एटम उसका 2/3 वॉल्यूम कैरी करता है, तो हम इसी को यहाँ अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी हमारा जो ये एटम का वॉल्यूम है ये टोटल वॉल्यूम का 2/3 है, तो यानी अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है, एम कैपिटल एन अपॉन कैपिटल एम इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2/3 वी, ठीक है। यहाँ से R का फार्मूला निकालिए स्टूडेंट, R क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा, R क्यूब यहीं छोड़ दीजिए, बाकी सब इधर करिए, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ गया हमारा ये 2 नीचे आ जाएगा, इधर हो गया कैपिटल M, कैपिटल M V अपान, ठीक, एम पाई आ गया, 2 पाई 2 आ रहा ना, 2 पाई, ये 2 पाई और एम एन आ गया, एम एन आ गया। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर वी को हम इसके नीचे यहाँ लगा दें तो आर क्यूब का जो फार्मूला आ रहा है यहाँ से, वो कैपिटल एम ऊपर बच रहा, नीचे आ रहा 2 पाई एन, और इसके अलावा आ गया एम अपान वी, मास अपान वॉल्यूम, ठीक। और इसको लिखते हैं डेंसिटी, ये तो डेंसिटी हो गई ना, मास अपान वॉल्यूम, तो डेंसिटी इसको लिखते हैं, यानी आर का हमारा जो फार्मूला आ गया क्यूब रूट, तो 1/3 पावर लिख देंगे, ठीक। ये आ गया एम कैपिटल एम अपॉन 2 पाई कैपिटल एन रो, और इस पूरे की पावर 1/3, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज डेंसिटी, ठीक है। यानी हमारा जो आर क्यूब का ये फार्मूला हुआ, इस फार्मूले से आर का फार्मूला जो हमारा हुआ, जो यहाँ हमारा आर का फार्मूला आया एम अपॉन 2 पाई एन रो पावर 1/3, इस फार्मूले से हम किसी भी एटम की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ओके स्टूडेंट। और इसमें जो रेडियस आती है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो रेडियस आती है वो नियर अबाउट 10^-10 मीटर आती है, ध्यान रखिएगा, इसी के आसपास आएगी, ठीक है, 10^-10 मीटर के आसपास आती है, ओके, एटम की रेडियस, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर लेयर मेथड, यानी इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि एटम का साइज कैलकुलेट करते हैं किसी लिक्विड का, ठीक है, और यहाँ पे ओलिक एसिड का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ओलिक एसिड का साइज लगभग बड़ा होता है और इसका साइज नियर अबाउट 10^-9 मीटर होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले एक एक स्टेप हम लोग करेंगे भी, लिखेंगे भी और बात भी करते चलेंगे। सबसे पहले वी डिजॉल्व वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड एसिड इन 20 सेंटीमीटर क्यूब
ठीक है, इसी को सीसी भी लिखते हैं कुछ लोग, सीसी क्यूब सेंटीमीटर, ठीक। अल्कोहल, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 1 cc लेते हैं ओलिक एसिड और 20 cc लेते हैं अल्कोहल, और दोनों को डिजॉल्व कर देते हैं, सल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। 1 cc यानी 1 cc³ सीसी में 1 cc ऑफ दिस सल्यूशन, डिजॉल्व अगेन इन 20 cm³ यानी 20 cc, ठीक, 20 cc ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 cc पहले वाले सल्यूशन का लेते हैं और उसको डिजॉल्व कर देते हैं, कहाँ पे डिजॉल्व करते हैं, 20 cc अल्कोहल में डिजॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, 20 × 20 = 400 हो गया, ठीक है। देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1/400 ऑफ ओलिक एसिड अपान अल्कोहल, इसमें होगा, ठीक है, ओलिक एसिड अपान अल्कोहल, ये सल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर वो ओलिक एसिड 1 मॉलिक्यूल होगा तो 400 मॉलिक्यूल अल्कोहल के इस रेशियो में होंगे, इस वॉल्यूम में होंगे, 1 पार्ट इसका होगा तो 400 इसका होगा। वी टेक सम वाटर इन ए फ्लैट ट्रे एंड एन ड्रॉप्स ऑफ दिस सॉल्यूशन वॉल्यूम वी ऑफ ईच ड्रॉप पोर ऑन द वाटर सरफेस ऑफ एरिया ए वॉल्यूम ऑफ द ओलिक एसिड इन एन ड्रॉप्स इज इक्वल टू, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग एक फ्लैट ट्रे में पानी लेते हैं कुछ, और उस पानी के ऊपर एन ड्रॉप जो है इस सल्यूशन की पोर कर देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है, डाल देते हैं। अब वो लेयर एक तरह से बन जाएगी और उसका एरिया यहाँ पर ए हमने लिया हुआ है, ठीक है।
आप देखो वॉल्यूम ऑफ द ओलिक एसिड इन एन ड्राफ्स, जो एन ड्राफ हैं उसमें ओलिक एसिड कितना हुआ, तो कॉन्सेंट्रेशन तो हमारा 1/400 है, ठीक, और एन ड्राफ है और एक ड्राफ का वॉल्यूम वी हमने यहाँ लिया है, देखिए वॉल्यूम ऑफ ईच ड्राफ, तो इतना हो गया, ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया यानी सीसी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ठीक, अल्कोहल वेपराइज एल्कोहल वेपराइज एंड ए लेयर ऑफ थिकनेस टी ऑफ थिकनेस स्मॉल टी इज फॉर्म्ड ऑन द वाटर ऑफ ओलिक एसिड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ दिस लेयर इज इक्वल टू ए एरिया इंटू टी थिकनेस, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा ओलिक एसिड है, जो वॉल्यूम यहाँ है वही वॉल्यूम यहाँ होना चाहिए। नाउ ए टी इज इक्वल टू 1/400 एन वी, ठीक, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगा, टी इज इक्वल टू एन वी 400 ए आ जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम ये देखें कि हमारी जो थिकनेस आ रही है ये टी, ठीक है, ये एटम का साइज है ओलिक एसिड के, तो हम उसका साइज इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वी अज्यूम दैट टी इज द साइज ऑफ द एटम ऑफ ओलिक एसिड देन वी कैन कैलकुलेट द साइज यानी डायमीटर ऑफ द एटम ऑफ ओलिक एसिड, ओके स्टूडेंट। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जो देखने वाली बात है, ये जो वॉल्यूम आ रहा है वो टोटल ड्राफ्ट का वॉल्यूम एन वी है, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन 1/400 है, तो ओलिक एसिड का जो वॉल्यूम होगा एन वी 400 होगा। अब जब एल्कोहल वेपराइज हो गया तो उसमें केवल लेयर में केवल ओलिक एसिड है,
अब उसको ए एरिया पर हमने फैलाया है और उसकी थिकनेस टी है, तीन दोनों का मल्टीप्लाई भी ओलिक एसिड का वॉल्यूम हुआ, तो इसलिए ये दोनों वॉल्यूम इक्वल कर दिए गए, ठीक है। अब जब इक्वल हो गए तो टी का फार्मूला आ गया एन वी अपान 400 ए। आप इस फार्मूले से थिकनेस टी, और अगर अज्यूम कर लें कि ये थिकनेस अगर इसके एटम के साइज के इक्वल है ओलिक एसिड के, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थिकनेस भी और डायमीटर भी दोनों सेम इसमें लिया जाता है, और ये नियर अबाउट 10 to the power -9 मीटर कैलकुलेट करने पर आता है। ओके स्टूडेंट।